चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा. सबसे पहले अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, इसमें अगर कोई डाइपोल ऐसे रख दिया जाए जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई, इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस डाइपोल पे, आंसर है जीरो, ठीक है ना. इसे कैसे भी रखा जाए, इस डाइपोल को अगर परपेंडिकुलर रख दिया जाए, ऐसे ऐसे भी रख दो, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पर फोर्स की वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इधर हो, ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें भी क्यू इंटू ई, इसमें भी क्यू इंटू ई, तो नेट फोर्स तो जीरो ही लगेगा. इस केस में भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, इसमें भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन नेट टॉर्क, अच्छा यहां पर नेट टॉर्क, यहां नेट टॉर्क भी जीरो होगा, लेकिन यहां नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ फोर्स है इसका और इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, मान लो ये डिस्टेंस है आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स के बीच में अगर होगा तो वो टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है. इसमें कोई भी नेट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन टॉर्क की वजह से, नेट टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होगा. तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अ टॉर्क विच विल रोटेट इट विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब टॉर्क की वजह से रोटेशन भी होगा और उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.